अस्सलाम वालेकुम, मेरा पुगा मोहब्बत है जान तक पहुँचे। अब मैं आपके अपने भाई की बदमाशियाँ दिखाती हूँ। आप आदम इधर आओ यार, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। हैंडसम भाई मेरा, हैंडसम ओ दद्दपू बना हुआ है। बाय बाय। ये देखेंगे मेरी किट, अशर की थी, मैं 10 दिनों मुस्तान चलाए थे बना सकता और मुझे इसकी इतनी खुशी हुई थी ना। ये देखें पूरी किट है, ये किट तो खुलती है ऐसे ऐसे खुलती है, और फ्रंट से क्या बना रही हो आप? मैं तो व्लॉग कर रही हूँ। अच्छा बनाओ, मैं शूज पहन लूँ फिर बात। और ये देखेंगे शेर इसका, और इसका मैं कौन सा शेर आपको बताऊं? चलो मैं आपको ये शेर बताती हूँ। ये शेर है ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, और फिर मैं आपको बताती हूँ ये शेर है कुछ ऐसा था सा, फिर कुछ ये शेर है ऐसा सा। ये भी मेरे डैडी मुल्तान से मेरे लिए सरप्राइज लाए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैम्प, ये है स्टार, इसे स्टार है, ये स्टार स्टार स्टार, इसे स्टार निकल जाते हैं, फिर कुछ स्टार 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 ही हो जाता है। और फिर ये हम आईलाइनर है, ये आईलाइनर यूज करके थोड़ा सा यूज हो जाता है, ये जैसे कि हमें कैसे भी करना ये यूज करके यूज होता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट पैर मेरे ब्लाउज है ये, और इसका कलर आप देखिए। वाह ये देखे, ये है मेरी बेटी का, और मेरी बेटी के ना अपने बालों में ये भी लगाती है, ऐसे ये देखे, ये लगाकर खुद दिखाओ ना, ऐसे ऐसे अपनी एक्सटेंशन करके, ये भी एक्सटेंशन है, ये दो मेरे पास, ये भी एक्सटेंशन है और ये भी अलग अलग स्टाइल के, मेरे बालों के साथ जो मैचिंग करते हूँ, ये इतना नहीं करता, ये करता। तो ये पैर दिखाती हूँ आपको, ये हो सा ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाता। मैं डायरेक्ट लिपस्टिक लेके आई थी मुल्तान से, और ये फोर शेड्स है इसके। यार इतना अच्छा मेरे डैडी मेकअप लाए थे, मुझे तो लगता है ना, ये चीजें देखें, सारी लड़कियां जैलिस हो जाए मेरे से, सारी लड़कियां जैलिस ही जैलिस हो गई होंगी अब तक तो। कलर कौन कौन से हैं, शेड्स कौन से हैं? शेड फर्स्ट शेड ये कुछ ऐसा है, और ये सेकंड है शेड, ये कुछ ऐसा है। अच्छा और बाकी दो वैसे दिखा दो। बाकी तो मैं वैसे दिखा रही थी, और ये दो शेड। और फिर डैडी मेरे लिए लाए थे बेबी पिंक लिपस्टिक, ये बेबी पिंक लिपस्टिक है, ये देखें ये है बेबी पिंक कलर। थोड़ी देर आपको लाइट लगेगा, फिर ये डार्क 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 होता रहेगा, ये देखेंगे डार्क हो रहा है, अब बहुत डार्क हो गया। अच्छा अभी मैं आपको अपने परफ्यूम्स के सिलेक्शन दिखाती हूँ। फर्स्ट दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फाइव नंबर पे ये है लंदन से आया हुआ, ये भी लंदन से आया हुआ है, सबसे बेहतरीन मेरा लंदन से आया हुआ, मेरा फेवरेट। बस मीरू बस, ये आपका स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा था कि आपने नहीं स्टार्ट करना, मैंने स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये है मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस है। यस, और आज ये भी तो बताओ स्कूल में क्या है, सुबह क्या चीज है, क्या सुबह हमारे स्कूल में हम रोजे चल रहे हैं, देखे ना रोजे तो चल रहे हैं, तो हमें ना सैरी रखवाई जाएगी स्कूल में, हमें वाइट सलवार कमीज पहन के आनी होगी,
और मेरे पास वाइट सलवार कमीज है। सैरी करवाई जाएगी इफ्तारी? इफ्तारी बताओ। तो मेरे पास वाइट सलवार कमीज है नहीं, तो आज मैं अपने डैडी से वाइट सलवार नहीं नहीं कोई नहीं 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 अल्लाह का वास्ता नहीं, डैडी से ये मैं तो लूंगी आपसे। वाइट सलवार कमीज मेरे के पास नहीं है। तो गाइस अभी हम जाते हैं बाहर, मैं और मीरू और आदम निकलते हैं। टुकड़ों में हो गए, दो टुकड़ों में हो गए, और यहाँ पर चोट लग गई थी मीरू के इधर। ओहो, अब ये ग्लासेस के बनवाने के लिए निकलते हैं बाहर, जाकर गोलगप्पे शोलगप्पे भी खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ठीक है, निकलते हैं। चाचा जी के पास आए हैं और हमने सोचा है कि यहाँ पे टाइम किल कर रहे हैं, रोज़ा लगा हुआ है, दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से रोज़ा खुले मीरू और हम कुछ बनाएं और मैं अपनी बेटी को खिलाऊं। और ये हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर हम अपने घर के पास ही फिर रहे हैं और यहाँ पर ये पानी पूड़ी वाला खड़े हुए हैं। ये इनके गोलगप्पे बड़े अच्छे होते हैं। क्या है इनके गोलगप्पे अच्छे होते हैं? इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। चलो आ जाओ। ये जी गोलगप्पे बन गए हैं पानी पूड़ी, और ये गोलगप्पे बड़े मजे के लग रहे हैं। पर्दा तो ये देखे साफ सुथरा, साफ सुथरे इनका माहौल, साफ सुथरा। यहाँ पर जी फल फ्रूट मजे मजे के, पता चलता है भाई जी रमजान है। और ऐसा फील हो रहा है आदम मीरू, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे गर्मियां आ गई हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? वाह जी मीरू, आपकी कुक का है, आप लोगों का रोजा है ना, है ना? अच्छा ठीक है। क्या कर रही हो? क्या चीज? एक कोक, इस कोक से मेरा रोजा टूट गया। आदम आपको गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं करते। चलो जी जल्दी जल्दी फिनिश। ये क्या कर रहे हो आदम? आपका स्टाइल है मीरू, इसका स्टाइल चेक करो, आपको स्टाइल नहीं मार रही। ये साफ पता चल रहा है कि ना ये गर्मी है, गर्मी आ गई है, ये साफ पता चल रहा है। क्या पढ़े ये? ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुभानक ला इल्मा। पढ़ो आदम। ये देखा जी चाचा जी ने इतनी अच्छी बात बताई है, बस ये तुम्हारे लिए बहुत है, ये बहुत बड़ा सवाब है। कौन कौन मीरू ऐसा? मैं आपको फ्रेंड्स क्या बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले ना मौसम बहुत गर्म है, ऐसे लग रहा था कि गर्मियां आ चुकी हैं, लेकिन अब एकदम से मौसम चेंज हुआ है, बादल आ गए हैं, मेरा ख्याल है बारिश शुरू होने वाली है। ये ऐसे है, बादल आ चुके हैं तो, और रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। पहले हम मीरू क्यों ना रोज़ा खोल लें जाकर और फिर जाए, क्या ख्याल है आपका? है ठीक है। बस हम आ गए, रोज़ा खुलने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और हमें फ्रूट चाट बनानी है और हम बड़ी तेज़ी से फ्रूट चाट बना रहे हैं। मेरे पास ये देखो, मैं ऐसे ऐसे करके बना रहा, ये देखो मैंने कहा टिक टिक कर रहा हूँ, स्पीड चेक कर लें मेरी फ्रेंड्स, मेरी स्पीड चेक कर लें। ये ऐसे फर्ज करें, मैंने ये दोनों केले मैंने छीले, इनको ऐसे रखा ऐसे। अच्छा आदम साइड पे तो होना, अदरक इनको इनको दिखाना ना गाइस को। ये देखो कैसे गाइस मेरी कुकिंग देखे ना, कुकिंग नहीं कटिंग मेरी भी देखे। कैसी देखे? ऐसे नीचे होकर बैठो ना ताकि नजर आए आपकी शक्ल, आपकी शक्ल भी तो नजर आनी चाहिए ना। कैसी? इधर देखो, उधर देखो। हाँ चलो, अब ये आदम की कटिंग है, ये भी आपको दिखाते हैं, ये कटिंग अभी, ये देखे। वाह 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 वाह, क्या स्ट्रॉबेरी है, जरा चेक करें। ये देखे मैंने स्पीड ऐसी मारी हुई है, ऐसी स्पीड मारी हुई है कि कोई हद हिसाब नहीं। आदम आप कुछ नहीं कर रहे, कोई हेल्प नहीं करा रहे हमारी? इधर इधर दिखा, उधर देख कर बताओ ना, इधर आगे, इधर 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 क्या आप बताओ, आप हमारी हेल्प नहीं करा रहे क्या? ये क्या है, शक्ल क्या है? इधर दिखाओ, करीब आकर शक्ल दिखाओ उनको। डर लग रहा है। अच्छा ये जो है ना, हमें अभी इतना यूज नहीं करना आ रहा गिम्बल, तो अब क्या करें ये नहीं समझ आ रही है। मीरू बहुत
बहुत तेज़ है, सही बता रहा हूँ। मीरू जो है ना बड़ी हेल्प कर रही है मेरी, अपनी तरफ से हेल्प नहीं कर रही, उल्टे काम कर रही है, मुझे उल्टा काम करवा रही है। बल्कि अभी मीरू की जो है ना, अभी तक ग्लासेस हमने नहीं बनवाए मीरू, गए थे गर्मी बड़ी थी, इन्होंने गोलगप्पे खाए, कोक शोक पी और और वापस आ गए। गर्मी थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया, बड़ा प्यारा मौसम है जी, बड़ा प्यारा, रोजों का पता नहीं चल रहा मीरू, आपको भी नहीं पता चल रहा होगा, इतने रोजे मैंने रखे हैं। अभी गोलगप्पे खा रही थी, आप पता चल जाएगा फ्रेंड्स को। नहीं यार, गोलगप्पे तो रोजे में खा रही थी। हाँ तो रोजे में खा रहे थे, रोजे में कौन खाता है, सारों को पता चल जाएगा कि मीरू ने रोजा नहीं रखा। ये बन गई फ्रूट चाट, भी आपको दिखाता हूँ, नीचे नीचे दिखाता हूँ, ये कैसा लीमू लेकर आओ, लीमू मैंने इसके अंदर निचोड़े, लीमू भी मैं, ये लेमन जूस दे दो, लेमन जूस दे दो, एक ही बात है। ये लेमन जो है ना, आज हमने ना पहले से ही निकाल के रख देते हैं दो दिन के। ये देखें ये मीरू ये डाल रही है, और एक और डालो इधर 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 करके, ये आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी फ्रूट चाट, जब मैं फुल्कियां डाल दी हैं, ओ हो हो, चाट मसाला लेकर, चाट मसाला फ्रीज करने के लिए रखा था कि वो सही हो जाए ना, थोड़ा नीचे होकर बताओ ना, फिर वो सही थोड़ा सा हो जाए, फिर उसकी उसके बाद मैं उसको लूंगी। अब ये कम्प्लीट है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए नीचे करता हूँ, ये हैं जी दही भल्ले। मीरू मेरे लिए ना लोबिया चाट लेकर आओ, ले आपके लिए बना दी लोबिया चाट। वाह वाह, इतनी सी देर में इतनी बन जाती थी अपनी। क्या मेरे बेटे आदम के लिए क्या बनाया, पकौड़े समोसे बनाए मेरे बेटे आदम के लिए? बट डैडी आपको आदम के लिए क्या बनाया, पकौड़े समोसे। क्या पकौड़े समोसे? वाह डैडी आपको मन है ना, मुझे तो आपको आप ही खा सकते हैं, सिर्फ मैं आदम के लिए बना के लाऊंगा। और कैसे, समोसा भी घर का है, पकौड़े भी घर के। मैं आदम और मीरू हमने एंजॉय किया बाहर, और बहुत स्वीट से आया टाइम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट था, हम बड़ी स्पीड से आए, और हम मैंने और मीरू ने ये कटिंग, ये देखे फ्रूट चाट दिखाओ, फ्रूट चाट कितनी अच्छी बनाई है। ये दही भल्ले, ये दही भल्ले देखे क्या क्लास है। ये लोग, ये सात सब्जियां, वाओ, मिक्स वेजिटेबल, वाह वाह। मीठा अगर ना हो ना तो फिर क्या ही फायदा, ये मीठा है। और ये खा कर फिर आपसे मिलते हैं, काम चेक करो इनके। मीरू कह रही थी कि डैडी ग्लासेस सही करवानी है, और इनके काम चेक करो, ये तो सो गए हैं। ये मीरू सोई हुई है, ये आदम सोया हुआ है। तो ग्लासेस हम नहीं सही करवा सकते, अब व्लॉग का मैं इख्तिताम यहीं पर कर रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।